छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कवर्धा जिले में आदिवासी छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के विरोध में रोष जाहिर किया गया है। रोष स्वरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया, शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभाविप के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य मार्ग पर बैठकर धरना दिया। नारेबाजी कर अभाविप के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार व पुलिस प्रशासन दोषियों को बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने प्रदेश के परिवहन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ नरमी बरतने को लेकर कवर्धा एसपी को हटाने की मांग भी की गई है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अभाविप इकाई डोंगरगढ़ गांव के नगर मंत्री नवनीत अहीर ने कहा कि आदिवासी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म को झूठा बताकर पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि दोषियों को नरमी बरतने में राज्य सरकार भी पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। नवनीत अहीर ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार आदिवासी हितैषी होने का केवल स्वांग रच रही है। अभाविप के कार्यकर्ताओं ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर नगर मंत्री नवनीत अहीर, दिग्विजय मिश्रा, प्रेमचंद, रोहित गुप्त व राजेश्वरी देशमुख आदि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.